बर्खास्त सिपाही ने चोट के निशान को बताया गोली मारने की अफवाह। सिपाही पर है 12 मुकदमे दर्ज। मामला थाना बरेली के गांव भमोरा का है। यहां रहने वाले सिपाही ने दूसरे को फंसाने के लिए चोट के निशान को गोली मारकर घायल के लिए अफवाह फैला दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी रोहित सिंह सजवाण ने जांच कराई। पुलिस ने घायल सिपाही को निजी अस्पताल भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने फायर इंजरी होने से इनकार किया है। सिपाही की खुरापात देख एसएसपी रोहित सिंह सजवाण ने उसका रिकॉर्ड निकलवाया तो पता चला कि सिपाही सुरकेश पर 12 अधिक मुकदमे दर्ज हैं। दो दिन पहले भी एक मुकदमा दर्ज हुआ था। क्रास केस लिखवाने के लिए चक्कर में सिपाही ने यह साजिश रची है। थाना भमौरा पर एक व्यक्ति सुरकेश शर्मा के पिता के द्वारा 112 पर सूचना दी गई थी कि उसके बेटे को कुछ लोगों ने गोली मारी है और उसको इलाज के लिए भर्ती कराने के लिए ले जा रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंची और संपूर्ण घटना का संज्ञान लिया। इसमें पुलिस के द्वारा जो प्राथमिक जांच की गई उसमें डॉक्टर से जो वार्ता की गई, जो मेडिकल रिपोर्टों का परीक्षण किया गया तो पता चला कि जो सुरकेश शर्मा है उसको किसी तरह की गोली नहीं लगी है और उसके पैर में एक चोट लगी है, जो डॉक्टर द्वारा बताया गया कि फायरआर्म इंजरी नहीं है। इसके साथ ही साथ जो सुरकेश शर्मा नामक व्यक्ति है ये एक पुलिस में सिपाही है। ये वर्तमान में जनपद चंदौली में कार्यरत है और वहाँ से ये गैरहाजिर चल रहा है। इसके ऊपर एक दर्जन से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं और इसकी बर्खास्तगी कार्रवाई भी वर्तमान में प्रचलित है। इसके साथ ही साथ एक हफ्ते पहले सुरकेश शर्मा के ऊपर एक मुकदमा गांव के ही व्यक्ति के द्वारा पंजीकृत कराया गया था और इसी वजह से जो प्रतीत हो रहा है कि क्रॉस केस लिखाने के लिए इसने इस घटना को रचा है। साथ ही साथ सुरकेश शर्मा जो है एक थाने से वांछित भी चल रहा था, इसके ऊपर NBW भी जारी हुआ था तो उस केस में इसको गिरफ्तार करके पुलिस के द्वारा जेल भेजा जाएगा और उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ क्योंकि ये जो सुरकेश शर्मा है नाम का जो व्यक्ति है इसकी जो आपराधिक छवि है पूरे गांव में, इसके ऊपर आगे भी अन्य धाराओं में और अन्य जो कानूनी कार्रवाई है इसके ऊपर जारी रहेगी।